हेलो हेलो थैंक यू इतने में इतना ही मिलेगा तो जी 12 बज गए और सबसे पहले उस इंसान का फोन आया जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो है कामिल। मुझे लगा था वो सो जाएगा 11:30 बजे, वो मुझे बोले मैं सो रहा हूँ और अभी पोस्ट कर रहा हूँ मैं तेरे बर्थडे का। तो मैंने उनको बोला 29 को नहीं है, 30 को है, तो कल आराम से। अभी गुड़िया का कॉल आ गया था मेरे फोन पर तो वीडियो रुक गया बीच में ही। वो अभी भी जस्ट कामिल का कॉल आया था जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो सोने वाले थे, लेकिन उनका कॉल आ गया, बोले मैंने अभी पोस्ट भी कर दिया है, मैं कॉल भी कर दिया है। और मैंने कहा हाँ, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो यही है उनका नींद का, उनकी नींद बहुत प्यारी है उनको, तो उनको नींद को छोड़ के उन्होंने मुझे विश किया 12 बजे और पोस्ट भी कर दिया है। और फिर गुड़िया से बात हो गई, बस हम लोग बैठे हैं, कल सुबह मिलते हैं। मेरे बेटे ने भी विश कर दिया मुझे, कल सुबह मिलते हैं। अभी नींद आ रही है, कल सुबह मिलते हैं जो कि हाँ। गाड़ी दिखा दो, गाड़ी दिखाओ अपने। चलिए जी शानू आ जा। भाई शानू ने मुझे विश तो किया लेकिन है ना वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो थैंक यू सो मच। मैं आपके बर्थडे पे, अरे अरे भागो मत आराम से, ये बोल रही मैं आपके बर्थडे पे पहली बार आऊँ, सबसे पहले मैं ही विश करूँगी। और हालांकि इसने ही सबसे पहले विश किया, फिर मम्मी ने किया। मम्मी बोली 12 बज गई क्या, बर्थडे हो गया क्या? मैं कहा हाँ मम्मी 12 बज गई, अब आप आराम से विश कर लो। ठीक है जी, सुबह मॉर्निंग में बात करते हैं आप लोगों से। ये शानू की जो है बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने स्नैप पर टेक्स्ट किया है, तो शानू चाहती है कि मैं व्लॉग में ले लूँ क्योंकि वो मेरे सारे व्लॉग देखती है। सो हैप्पी बर्थडे माय फेवरेट व्लॉगर, आई लव यू, आई लव हर सो मच यार, और औरान को ढेर सारा प्यार, मे अल्लाह ब्लेस हर विद लॉट्स ऑफ। सो थैंक यू सो मच तनु, मेरे व्लॉग के जरिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। सो थैंक यू सो मच इतना प्यारा मैसेज करने के लिए मुझे, एंड बस ऐसे ही व्लॉग देखते रहना मेरे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, थैंक यू मेरा गुगू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ले नहीं आ रही आपको? थैंक यू, शो मी योर कार्ड। हैप्पी बर्थडे वाओ नानी जी, नानी जी क्या नाना जी यार, नाना जी लाए। अच्छा आपको नींद नहीं आ रही आज? दुकान में, दुकान से लाए। चलो बाय बाय। लगी नहीं लगी? ठीक है बाय बाय। लाइट में कर दूँ? लाइट बंद कर दूँ? नींद आ रही है? नींद आ रही है। ठीक है भाई, पीछे कोई शादी है तो मेरी आवाज़ पता नहीं क्लियर आएगी नहीं आएगी। सो जी आज है हमारा बर्थडे, आई मीन मेरा बर्थडे, और मैं 30 की हो गई हूँ, और मतलब थोड़ा सा अजीब है 30 के अंदर, मतलब 30 की काउंटिंग में घुसना, लाइक 3 0 3 1 3 2 अब काउंटिंग होंगे। सो इवेंट भी था थोड़ा सा, वैसा भी था कि यार 30 के हो गए हैं। सुबह से मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड करने लायक, सुबह से ऐसे ही निकला। हाँ कामिल ने ज़रूर केक और चॉकलेट्स का बुके भिजवाया है, तो वो हम लोगों ने रख दिया है क्योंकि मैं सोचूं अभी मैं रेडी इसलिए हुई, मैंने बस ड्रेस नहीं पहना है, बाकी मैंने मेकअप कर लिया है, बाल बाल थोड़े सेट कर लिए हैं। ठीक है, सो मैं वेट कर रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड्स का, डॉली और सीमा का। सीमा का एक्चुअली में कॉल आया था मॉर्निंग में कि अपन शाम को कहीं बाहर चलते, तेरा बर्थडे भी है, सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी बाहर चलेंगे। तो मैं उन लोगों का वेट कर रही हूँ कि वो आए तो मैं ड्रेस पहनूँ, क्योंकि औरान जो है गोदी चढ़ जाता है, खेलता है, तो मैंने सोचा ड्रेस ख़राब हो जाएगा, तो इस वजह से। और जो मेरा ड्रेस है वो बिल्कुल फिटिंग अच्छे से सेट नहीं हो रही थी उसकी, तो वो मैंने पहन के देखा तो उसकी सेट एक तो सॉन्ग बज रहे तो मिल सकता है पीछे आवाज़ आया आप लोगों को। सो ड्रेस जो है उसकी फिटिंग ठीक नहीं थी, तो वो फिटिंग ठीक कराई मैंने 1 घंटे पहले पहनने के लिए, यही एक ड्रेस मुझे सही लगा आज पहनने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अपने बर्थडे के लिए कम हूँ, लेकिन उन दोनों से मिलने के लिए ज़्यादा हूँ, क्योंकि बहुत सालों बाद जो है मैं उन दोनों से मिलने वाली हूँ। और हान को मैं लेके नहीं जा रही क्योंकि अगर ये मेरे साथ जाएगा तो ये पूरा अटेंशन अपने, मतलब इसको पूरा अटेंशन चाहिए फिर मेरा, तो मैं उन लोगों से बात नहीं कर पाऊँगी और थोड़ा सा लाइक गपशप नहीं कर पाएंगे हम तीनों, इसलिए मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ। प्लस जो केक जो कामिल ने भिजवाया वो मैं आके जो है पापा दानिश वगैरह सब आ जाएंगे फिर उसके बाद कट करूँगी। और कैफ़े जा रहे हैं, आई डोंट नो कौन सा कैफ़े है, सीमा को मालूम है, सीमा ही लेके जा रही है कि अच्छा कैफ़े है, तो वो लेके जा रही है, उसने सजेस्ट किया।
तो हम तीनों जो है बहुत सालों के बाद जो है एक साथ मिलने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, सीमा और डॉली जो है मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। हालांकि सीमा तो लाइक सीमा आर्ट्स स्टूडेंट थी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी, और डॉल जो है डॉली जो हमारी सीनियर थी, मतलब लाइक वो ट्वेल्थ में थी तब मैं नहीं वो इलेवंथ में थी जब मैं नाइन्थ में थी, और वो ट्वेल्थ में आई तब मैं टेंथ में थी। उसके बाद उसने क्लियर करके वो कॉलेज वॉलेज में चली गई थी, और सीमा जो है वो मेरे साथ ही थी। लाइक अलग सेक्शन था हमारा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे दोस्त लाइक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और मेरा बीटू तो जी मैं रेडी हो गई हूँ, अब बस वो लोग आने वाले हैं। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया रेडी होने में, और आन को खाना वाना खिला रही थी इतनी देर, तो 6:30 बजे जाने वाले थे हम लोगों को, 8 बज गए हैं। वो वहाँ बिजी थी और मैं यहाँ बिजी थी। तो अब फाइनली तैयार हो गई हूँ, 5-10 मिनट में वो लोग पहुँचने वाले हैं। शायद डॉल को बाद में पिक करेगी, वो पहले मुझे पिक करेगी फिर डॉल को, मैं पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था हम लोग जाएंगे ही नहीं आज, इस हिसाब से हमारा चल रहा था जाने का। तो मैंने ये शॉल ले ली ऊपर, मैंने जो ठंड वंड हो तो, और ड्रेस जो है मैंने पहन ली है। सब देखो कितनी देर में वो लोग आती हैं और हम लोग निकलते हैं। वापस घर जा रही थी, सच कह रही हूँ मैं, इतना कौन वेट कराता है। मेरे को कहाँ आके तूने बाहर आने को बोला था ये बता, और बर्थडे कल को इतना लेट कराया तूने, तुझे पता है तूने कहाँ आके मुझे कॉल किया था ये बता दे। मुझे लगता है तूने ना पावटा पे वो मैगडी के पास में कॉल किया मुझे कि बाहर आ जा, नीचे था मेरा घर, बाहर भी नहीं था, यही पे था गली में, आ गई थी मैं नीचे। बाय द वे हाय, हेलो, कहाँ बांटते फिर ये कार्ड अपने, ये पहली दुल्हन है जो अपने कार्ड खुद ही बांट रही है। वाह 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 वाह, मैं सिर्फ अपने कार्ड बांट रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के। अच्छा, ये बाबा आराम से, एक घंटा और वेट करो यहाँ पे। तो ये तो आ गई सीमा, तो आ गई, लेकिन वो नहीं आई है मैडम। म्यूजिक बन रहा है, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा मेरे। कुछ टाइम में हाँ, और बनेड़ी घूम रही है, और बनेड़ी अपने कार्ड बांटती फिर रही है। मुझे क्यों बोल रही रुक जा, इसको बोल रुक जा, मुझे क्यों बोल रही रुक जा, ये तो रुकने के अलावा है ही नहीं। अच्छा वो रुक, अच्छा अच्छे से बताऊंगी। हाँ वो ठीक है, बाद में देखेंगे वो, ठीक है आज नहीं, आज नहीं, मेरा बर्थडे आज नहीं। साबुन सुगंध आवे जल्दी लग रहा है, डॉल डियो चेंज कर ले अपना, ये मोटू हो गई है तू। घर में बैठा बैठा इंसान पाँव टूटा हुआ खाएगा तो क्या गला। मैंने सोचा मैं मोटी हो रही हूँ, बस तू भी मोटी हो गई। हाँ अरे तीनों हो गए, उससे कम नहीं, तू तो नहीं हुई, तू वैसी ही अभी भी। अरे वो कोटे ने अपनी डॉल बीच में, तू इधर मैं इधर। नहीं, क्या बोला सीमा की, सीमा ऐसी है, सीमा ऐसी है, वैसी थी वैसी है, मुझे तो अभी भी वैसी लगती है। भगवान है, हरिराम। मैं यार अभी गाड़ी में बैठे ही देखा, अभी तक खड़ी नहीं हुई है, तो मुझे पता नहीं कितनी मोटी है। तू बैठे हुए भी मोटी लग रही है, तू बैठी हुई भी मोटी लग रही है। नहीं अभी तक तो नहीं लगी, मोटी नहीं लग रही, खड़ी भी लगेगी सीमा, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो कौन सी मूवी थी, मैं सीरियसली वो मूवी बोला है ना। एक बार वापस रिपीट कर दो डॉल, एक बार और प्लीज। अच्छा नहीं सॉरी, मैं फुटबॉल का अच्छा प्लेयर था, एक मारते हुए मेरी पांव टूट गया। हां तो मां ज्यादा जरूरी है ना, तो मारी मां तो लाम पानी पड़ती जो छोड़ रहे हैं। नहीं नहीं है बापू, नहीं है वो सीमा का मां था, हेलो मां बने तई मां ब्याह दौड़ दे चोरी रो, ये धीरे चला, ये बहुत धीरे चला रहे अभी, ये धीरे चला रही है, ये धीरे चला, इसको धीरे कहते हैं सीमा। अरे कॉल बैटरी कौन सीमा कर दे, बस कर बहुत स्मार्ट लग रही है, रहने दे। मैं ओ मोटू मोटू, ये देख कितनी मोटी, ये देख उसको बता पहले, फिर हमें ये चुप चुप रे पागल ए। हेलो खा नहीं लिख पाना, ये तेल ही ले रहे हैं हम लोग, क्यों क्यों क्या ब्राइट है। मैंने सारे स्ट्रॉबेरी के केक कट किए, तुझे पता है। देख मैं ग्रुप की वो बस आज बिल्कुल नहीं बनूंगी, जिसके लिए ना इसको तो बना ले। कौन सा गांधी जयंती, रख दे नहीं चाहिए मुझे।
इसके लिए ले लेते हैं ना। सीमा पसंद आया कोई? स्ट्रॉबेरी वाला अच्छा है। चुपे काजू वाले नहीं अच्छा है, वो स्ट्रॉबेरी वाला अच्छा लग रहा है। ये और वो वाला एक तो ये ले ले। ये सच्ची कह रही है, चुप चुप करा ले, चुप करा ले तू। एक के ऊपर राठौड़ लिखना साहब, नहीं सिर्फ खान लिखवा ले। हमारे निकनेम है राठौड़ और खान। वो टैग लगा के नहीं लिख रही क्या? अकेली नहीं खा सकती तू, ठीक है ना? कर रही चॉकलेट डटा के रख दी, ब्लैक नहीं अच्छा, व्हाइट ब्राइट टू भी राठौड़ चलो। इसमें तो सब लोग ऐसे थे पता है। मेरे को शॉक हुआ, मैंने तो मैसेज भी नहीं किया, मैंने देखा, मैंने कहा चलो यार देखो मैंने 26 जनवरी को ग्रुप बनाया था मिलने के लिए, स्कूल में कोई नहीं आया और इवन मैं भी नहीं गई कहीं पे, कहीं पे ऊपर। बेचारी रितु रितु करके अहंगा हो गई थी बस, बाकी कोई नहीं गया। सीमा ने भी भेजी थी, बहुत अच्छा है ना यहाँ का। क्या आ जाओ इधर, तू बैठ जा, तेरे काम आएगी, वैक्सीन नहीं होगा उससे। तो ऊपर थोड़ी लाइटनिंग का एक शो था तो हम लोग नीचे आके बैठ गए और अजीब सी स्मेल आ रही है ना, जा रही अजीब सी स्मेल। तुम लोग कौन सा सुनीता वाला बर्थडे वाला बना? सुनीता मैं नहीं हूँ। अरे हाँ चल डन, तो डांस करेगी क्या उसपे? तो हाँ 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 थैंक यू, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। सुल्ताना वैसी लग रही है मुझे। कैसी? अरे मोटी हो गई। व्हाट यू मीन कैसी? कैसी लग रही? कैसी नहीं मतलब वैसी लग रही है मुझे, ऐसे चेंजेस नहीं लग रहे कुछ ना। वैसी ही लग रही है। हाँ वो लाइक पापा देख, सीमा पापा देख, नजर खराब नहीं करना पापा। सुल्ताना ये फोन उठा के बताओ, ये देख ये वो एक बच्चे की माँ है। हाँ सही पहचाना एकदम। नहीं नहीं पर इतना वो नहीं लग रहा है। ए रहने तो वाला लुक नहीं आया है। थैंक यू। तू चुप रहे, तुझे जल्दी भी नहीं आएगा। मुझे पता था, मुझे अगर पता होता ना तुम दोनों ऐसे डिच करोगे मुझे और इतना लेट करोगे तो। क्यों डिच करेंगे यार, हम तो पिच करते हैं। इधर देख, इधर तेरी और सिमरन डाल दो ना स्टैंड अप, क्यों नहीं ट्राई करती? सुन सुन मेरी बात सुन, पहले सुन लिया बोल। संग्राम की और इसकी डाल देंगे, इधर सुल्तान और टाइमिंग की डाल देंगे, बाकी सब मेरी। और आज भी हाँ हाँ ठीक है डाल। पीटी उस समय की इंदु नंदन मैम, इंदु नंदन मैम की ज्योति मैडम, बसंती मैम बतलाइए कॉपी आ गई है। और वो मैम याद है वो मैम कि सर को शो बोलती थी जो सुल्ताना आर्ट नहीं वो कुछ थी आर्ट्स की पता नहीं कि वो सर को सब कि सारे के सारे बच्चे जो है वो कॉलेज की साइंस की थी, वो सर को ना सब बोलती थी, सारे के सारे बच्चे ना सुल्ताना
सबसे आगे मेरे को भी बड़ी थप्पड़ एक बार तो नहीं मैंने खाई एक थप्पड़ पापा को बोलने खिलाना पड़ेगा मैंने कैसे भी नहीं आ सच में बहुत बुरी बुरी थप्पड़ मार देती हूँ मैं ना वो स्टाफ रूम नहीं वो गेट वाले नहीं वहाँ पे मैं गई कॉपी लेके मैं काम भी किसी और से कर रहा था तो मेरे को टाइम मिलता नहीं मैंने कहा मैं ये हैंडराइटिंग तुम्हारी नहीं है तुम्हारी कॉपी का बोली लिखा था मैं आपकी नहीं बेटा आपकी लाओ उसको थोड़ा बहुत परेशान किया चुनना ही मेरे थप्पड़ मार डर नहीं लगता ठीक है फिर मैम ने बोला थप्पड़ पर मार दे बोले पापा को बुला गए ना पापा तो नहीं है कहाँ गए थोड़ी देर बाद मेरी उषा मैम आती है पीटी मैम थप्पड़ पर मार छोड़ तो यार ये तो पद्धत लेते हैं भाई लाल माई नाल भिंडी सब्जी बढ़ जाता हेलो क्या किसने बढ़ी पता मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा मुझे और सिमू को पता नहीं प्रिया को एक साथ पढ़ा था प्रिया को डांटा था हम तीनों साथ में बैठे थे ना तो हम लोग को बोला था तुम तीनों एक साथ नहीं रहोगी ठीक है प्रिया को डांट डटा के वो चली गई थी कह ना तू तुम्हारी वजह से वो रो रही थी कर रही थी तो हम दोनों ना लाइक इंदुना मैम जैसे ही क्लास से बाहर गए तो हम दोनों ने सोचा कि चल यार पटा लेते इंदुना मैम तो बाहर गए हम जैसे उसके पास नीचे बैठे थे हम पटा रहे थे उसको कि यार ठीक है कोई बात नहीं ना मार दी मैम ने कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद में देखा तो इंदुना मैम गेट पे खड़े हैं हम लोग हक्का पक्का हो गए जाके खड़े हो गए सीट पे नीचे गर्दन करके मैम आई पहले तो सिम्मी को पॉट मैंने कहा शोना तुझे भी पढ़ने वाला है जैसे मैम मेरी तरफ आई तो बोले मैंने क्या बोला था तुम लोग बात नहीं करोगे क्या कर रहे थे मैंने कहा मैम जितने मतलब पॉट मतलब तूने भी थप्पड़ खाई मैंने भी खाई है प्रिया ने भी खाई है सिमू ने भी खाई सीमा ने नहीं खाई सीमा नहीं खाई ना थप्पड़ अच्छी बच्ची थी अच्छी बच्ची और इसकी दो चोटी फोल्ड करने के बाद भी इसकी दो चोटी मुझे थप्पड़ पड़ा मुझे थप्पड़ पड़ा और भी काफी लोगों को थप्पड़ पड़ा सीमा के लिए सीमा आई एम प्राउड ऑफ यू क्योंकि इसकी दिमागी चोटी और वो पता है वो चोटियां फोल्ड करने के बाद भी मेरी चोटी के बराबर आती थी हो जाती थी ठीक है इतनी होने के बाद में वो चुन्नी ही होती थी आते पते बोलते थे कि हमारे स्वेटर का है चुन्नी का है पजामा का है सब प्रॉपर एकदम ऐसे वाला है ना सीमा को ये देख हम लोग स्पोर्ट्स में थे ना हाँ ऐसे काजल बहुत ही डार्क एकदम डार्क एकदम हाँ ऐसे बुरी बुरी आंखों में दिखता है छोटी रह गई बचपन में नहीं छोड़ दिया था छोड़ दिया था बीच में बचपन में ऑर्डर कर दिया ठीक है ऑर्डर कर दिया ऑर्डर बाद में वो लोग वेट कर रहे हैं भाई डॉल तू स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर ले सच में कह रही हूँ जब से वो हुआ ना तुझे कैसे पता 550 तू घर चला रही मेरे ना एक साल है
रजाक सर। हाँ रजाक, मैं जानती हूँ रजाक सर को। हाँ रिजवान भी के पापा ना। हाँ रिजवान। हाँ तो हम लोग एक शादी में गए थे। हाँ तो वहाँ पे क्या मेरे को ऐसा गलत हुआ उनके साथ में। क्या हुआ? मैं उनके साथ खाना खाने बैठ गई, प्लेट थी हमारे साथ में, तो ऐसे सब्जी ली और उनका एक बहुत अच्छा एक तरीका था कि मतलब जितना खाओ आप उतना ही लो। तो जो सब्जी ली थी, दो रोटी ली थी, तो सब्जी में क्या बहुत सारे ऐसे लौंग, काली मिर्च।